টু ৰঞ্জিতা ভিডিঅ'জ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আজি তোমালোকৰ পার্ট হ'ব পাৰ্ট ফাইভ জিনা জিলানা মাতভুল্না জীনা জিলানা মাতভুল্না কবিতা হয় মই তোমালোকক কবিতা মাতি শুনাইছিলোঁ তোমালোকে যদি শুনা নাই প্লেলিষ্টত গৈ জীনা জিলানা মাধভুল্না কবিতা শুনি ল'বা আজি মই তোমালোকৰ লগত অভ্যাসমালা আলোচনা কৰিম तुम्हारक जो भिडि तो मैं कैसी चेनेलत नतुनक सबसक्राइब करा नतुन नतुन नो भिडिओ नोटिफिकेशन पाई अभ्यास माल चुना पूर्ण वाक्य में उत्तर दो मैं तुम लोगों को उत्तर दी आस तुम लोग प्रश्न निज़ा सबा क तरह तरह के पक्षी हमसे क्या कहते हैं ख रंग बिरंगे फूल हमें क्या बताते हैं हमारे लिए भोरों का संदेश क्या है बढ़ती हुई नदियां हमें कौन सा उपदेश देती है जीना जिलाना मधुना नामक कविता के कवि कौन है तुम उत्तर लिखी दिया ठीक है। को तरह तरह के पक्षी हमसे मीठे गाना गाने को कहते हैं ख उत्तर स्वा रंग बिरंगे फूल हमें प्यार बांटने के लिए कहते हैं ग उत्तर स्वा भोरे हमें हिल मिलकर गले लगाने के लिए संदेश भेजते हैं घ उत्तश्व बढ़ती हुई नदिया हमें बढ़ते रहने के लिए उपदेश देती है अंग उत्तश्व डॉक्टर अच्युत शर्मा जी हैं तिनीर क को उत्तश्व कोदश्व सवेरे पूर्व दिशा में उदित होकर सूर्य हमें रोशनी फैलाने के लिए कहता है ख रात की आकाश में चमक चमक कर चांद हमें चांदनी बिखेरने के लिए याद दिलाता है हरे भरे पेड़ पौधे हमें शीतल छाव देने का संदेश देते हैं ग उत्तर घ उत्तर स्वा बहती हुई हवाएं हमें दूसरों को जीवन देने की बात करती है तुम लोग आलोचना कर प्रकृति हमको कहती है कि विभिन्न विपत्तिया आने से भी हमें हंसकर हंसाना कभी भूलना नहीं चाहिए गोलियां चलने पर और गोले फटने पर भी हमें दूसरों को जीने में मदद पहुँचानी चाहिए भाषा अध्ययन चुआ नंबर वन पर्याय बाची शब्द लिखो समानार्थक शब्द लिखो सवेरा सुबह प्रातः सूरज सूर्य रवि चांद चंद्रमा चंदा पेड़ वृक्ष तरु पक्षी चिड़िया बिहक फूल पुष्पा कुसुम भोरा भ्रमर कली नदी सरिता तटिनी हवा पवन वायु नंबर दो वाक्य बनाओ वाक्य रचना करिबोले दिसे किताबत प्रश्न सभा भाषा अध्ययन आसे नंबर दो चमक चमक कर चांद चमक चमक कर चांदनी बिखरता है चहक चहक कर पक्षी चहक सहक कर मीठे गान गाते हैं खिल खिल कर फूल खिल खिल कर प्यार बांटता है हिल मिल कर हमें आपस में हिल मिल कर रहना चाहिए आहारा किसु आज वीडियो तोमा लके बुझी पाइसा बुली नथोन के आइसा दे चैनल सब्सक्राइब करै थई दिबा शेयर करिबा तोमा लकर पाठर बहुतो পাঠৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়া হৈছে আৰু পাঠৰ বাকী আছে তোমালোকক মই দিম আজিৰ কাৰণে ইয়াতে সমাপ্ত কৰিলোঁ আকৌ লগ পাম আমি নতুন ভিডিঅ'ত টাটা ৱাই বাই ধন্যবাদ